रास्ता कितना अच्छा है, गाड़ी चलाने का मज़ा अगर लेना है तो लखनऊ आगरा एक्सप्रेस में ज़रूर एक बार आइएगा। ये रास्ता इतना स्मूथ है, आपको कैसे स्मूथ लग रहा है गाड़ी रास्ता? रनवे। रनवे लग रहा है, इसीलिए आप स्पीडोमीटर में दिखा रहे हो कैमरा? अभी तो आप 140 160 कर रहे हैं। ना, और नहीं स्पीड उठाएंगे, इतना ही सही है। पूरा फ्लाइट की तरह जा रहे हैं, लैंडिंग कर रहे हैं अभी इको स्पोर्ट। अच्छा, आप लोग देख रहे हो ताजमहल को, कितना खूबसूरत नज़ारा है। ताजमहल का और एक नाम मुमताज महल भी है, क्योंकि मुमताज शाहजहान का बीवी था, जो उनका मरने का बाद ताजमहल का नाम मुमताज महल था, फिर ताजमहल बाद में ताज जोड़ के ताजमहल रखा गया। और ये यमुना नदी का पास ही है ये ताजमहल, सफ़ेद मार्बल से बना हुआ है। 20,000 कारीगर ने इसको बनाया था, 1,000 हाथी का मदद से 22 साल से। और कुछ फोटो है आप लोग को शेयर कर रहे हो, कितना खूबसूरत दिखने में आ रहा है ताजमहल। हाँ, पार्क का नज़ारा कितना अच्छा है। ये डॉक्टर अम्बेडकर पार्क है और ये लखनऊ गोमती नगर में है। ये पार्क डेडिकेट किया हुआ है डॉक्टर अम्बेडकर, ज्योतिराव फुले, काशीराम नारायण गुरु और मेनी अदर सोशल रिफॉर्मर, जो इनको बनाया में इनका नाम पे बनाया गया। और यहाँ पे 62 एलिफेंट है, जिसका स्तूप चारों तरफ लगा हुआ है। और कुछ गैलरी भी है, म्यूजियम भी है। और ये चीज बना हुआ है राजस्थान का सैंडस्टोन से, पूरा रेड सैंडस्टोन। बढ़िया, बहुत बढ़िया लगता है देखने में। और बहुत बड़ा जगह में फैला हुआ है पार्क। ये पार्क में आप जब आइएगा तो टाइम लेके आइएगा, क्योंकि सुबह 10 बजे से रात को 9 बजे तक खुला रहता है, एवरी डे 7 दिन खुला रहता है। और एंट्री फी 15 रुपया। पार्क का टिकट का प्राइस बहुत कम है पार्क का हिसाब से। पार्क में घूमिएगा तो आपको अच्छा लगेगा और दूसरे का मज़ा लीजिए।
अभी हम लोग लखनऊ में हुसैनाबाद क्लॉक टावर के सामने हैं। इस क्लॉक टावर को बनाया है 1881 में, हुसैनाबाद ट्रस्ट ने बनाया है सर जॉर्ज कूपर के लिए, जो थे फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर अवध के। और इसका तब खर्चा पड़ा था बिल्ड करने के लिए 1.70 लाख। और टावर की हाइट है 219 फीट ऊंचाई,